इस चैप्टर टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट एंड इट इज अबाउट अ बिजनेस मैन जो एक, दिस इज द स्टोरी वन ऑफ क्लास सिक्स मॉडल साइंस स्टोरी वन. देर आर टू स्टोरीज कमिंग इन दिस टर्म. ओके, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द स्टोरी ऑल्सो एंड द चैप्टर एक्सरसाइजेज ऑल्सो. यू हैव टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, जैसे आप लोग हमेशा से करते आए हैं. ठीक है. वंस अ बिजनेस मैन गॉट स्ट्रैंडेड ऑन अ लोनली हाईवे इन द US. एक बिजनेस मैन एक सुनसान सी सड़क में फंस गया क्योंकि उसके जो टायर हैं वो क्या हो गए थे, गॉट स्टक बैडली इन अ मड पूल. मड पूल क्या होता है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी का एक होता है, जो मिट्टी में उसका जो टायर है वो स्टक हो गया था और वो बड़ा ही हेल्पलेस फील कर रहा था. ही लुक्ड अराउंड फॉर हेल्प एंड फाइनली स्पॉटेड एन ओल्ड फार्मर. द बिजनेस मैन कॉल्ड आउट टू हिम फॉर हेल्प टू गेट हिज कार आउट ऑफ द मड. उसने आसपास देखा और उसको एक ओल्ड फार्मर, मतलब एक बूढ़ा फार्मर मिला. उसने उसको बुलाया कि आओ मेरी कार मिट्टी के बाहर निकालने में, कीचड़ के बाहर निकालने में मेरी मदद करो. द फार्मर केम टू द सीन. सीन मतलब उस जगह पे आया. ही गॉज्ड द सिचुएशन एंड अग्रीड टू हेल्प हिम. उसने देखा कि हाँ वाकई जो है ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं है यहाँ पे, वो वाकई जो बिजनेसमैन है वो किसी मुश्किल में है और उसने अग्री करा, उसने राज़ी हुआ वो उसकी हेल्प करने के लिए. He thought for a while and said, "Let us take the help of a Warwick." Warwick, he explained, was an old, weak, but roamed the farm. The businessman doubted, was unsure of the ability of the bull, but he was helpless, and so he agreed. उसने क्या कहा? उसने कहा हमें ऐसा करना चाहिए. जो farmer था उसने कहा हमें ऐसा करना चाहिए. Warwick जो है उसने कहा कि Warwick की help लेनी चाहिए. उसने कहा कौन है Warwick? उसने कहा है एक बूढ़ा सा बैल है, बुल है, वो फार्म के आसपास घूमता रहता है लेकिन वो तो हमारी मदद करने में कामयाब होगा. बिजनेसमैन को कहा हुआ एक बूढ़ा बुल है, वो क्या हमारी मदद करेगा. द बिजनेसमैन डाउटेड मतलब अनश्योर था उसकी एबिलिटी का. उसने सोचा कि मुझे नहीं लगता, उसको कुछ खास नहीं लगा कि भाई वो बूढ़ा जो वो है बुल है बैल है वो कैसे हेल्प करेगा. लेकिन अब बिजनेसमैन भी हेल्पलेस था, उसके पास भी कोई और ऑप्शन तो था नहीं. अब इतनी भारी मिट्टी में जो है कीचड़ में कार जाके फंस गई है तो अब कोई क्या कर सकता है उसमें, एक उसके साथ एक बूढ़ा फार्मर है कि नहीं, तो क्या कर लेंगे दो बंदे मिलके. तो उन्होंने फिर भी सोचा कि चलो उसकी हेल्प ले ली चाहिए, वो अग्री कर गया. द फार्मर टाइड द बुल टू द कार एंड स्टार्टेड शाउटिंग फ्रीड पुल, जैक पुल, जॉन पुल, वॉरफिक पुल. तो उसने क्या कहा, उसने आवाज़ मारनी शुरू करी. उसने बुल को, उस फार्मर ने बैल को गाड़ी से बांधा और उसको आवाज़ लगाई कि भाई खींचो, कहते हैं ना धक्का लगाओ, जोर लगाओ, खींचो. तो वैसे करके उसने शाउट किया. एज द फार्मर केप्ट शाउटिंग दीज नेम्स आस्किंग देम टू पुल द बुल वॉरपिक हीव्ड. मतलब उसने उसको सारे नाम दे दिए, कहा कि तू जॉन भी है, तू जैक भी है, तू फ्रेड भी है ना, और फिर लास्ट में उसका नाम लिया. तो जैसे ही फार्मर ने ये सब बोला और उसने क्या करा, लिफ्टेड एंड पुल्ड विद एफर्ट. हीव्ड मतलब वॉरविक ने क्या किया, वॉरविक कौन है, बुल है. तो वॉरविक ने क्या करा, एकदम लिफ्ट किया और खींचा एंड हीव्ड एंड गॉट द कार आउट ऑफ द पूल ऑफ मड. उस मिट्टी का जो पूल था, उस कीचड़ में जो वो कार चली गई थी, उसने इतना जोर से धक्का मारा कि वो निकल के बाहर आ गया. द बिजनेस मैन वॉज रिलीव्ड मतलब फ्री फ्रॉम वरी, टेंशन से वो फ्री हुआ. बट ही वंडर्ड दैट गेव द ओल्ड वीक बुल सच स्ट्रेंथ. उसने बोला कि पता नहीं इतना ओल्ड और मतलब बूढ़ा सा और इतना क्या बोलते हैं जो बैल है, बड़ा ही वीक देखने में है और बड़ा बूढ़ा है, पर इसको किस चीज़ ने ऐसी स्ट्रेंथ दी कि इसने बस उठाया, हीव किया और एकदम खींच दिया. द बिजनेस मैन थैंक द फार्मर एंड सेड, यू टोल्ड मी दैट द बुल्स नेम वॉज वॉरविक एंड ही वॉज अलोन, देन हु वर दोज फ्रेड, जैक, जॉन. तो उसने कहा, तुमने कहा जो ये वॉरविक है, फार्मर को उसने बोला, तुमने कहा था जो ये वॉरविक है ये तो खाली एक ही बुल है और ओल्ड है, बड़ा वीक है बड़ा, तो ये कौन है, तुम किन तीन के नाम ले रहे थे, कौन है ये फ्रेड, जैक और जॉन. आई डिड नॉट इवन सी देम एनीवेयर नियर. मैंने तो उन्हें आसपास भी कहीं नहीं देखा.
The farmer coolly answered, "You see, Warwick is old and is also blind." समझे? मैं समझे। उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो वॉरविक है, जो बुल है, वो ओल्ड है, मतलब बूढ़ा भी है और आंखों से देख नहीं सकता, ठीक है? He does not know he is pulling the car alone. उसे पता ही नहीं था वो सिर्फ अकेले कार को पुल कर रहा है. The moment he hears the other name, he thinks he is in a team and gives his best. जैसे ही वो ये सारे नाम लेता है, वॉरविक को लगता है कि भाई वो एक टीम में है और वो उतनी ही जोश के साथ जो है काम को करता है और अपने एफर्ट्स देता है. जैसे कि मैं बोलूँ, तीन चार नाम ले दूँ, मैं कहूँ जॉन, ब्रेक, ये सब दौड़ लगाओ, धक्का लगाओ, तो आप लोग कहेंगे ना, अरे देखो सब अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमने भी करना है. तो वो वैसे ही उसी एफर्ट से जो है काम करते हैं, जोर से वो काम करते हैं. और वॉरविक को भी ऐसे ही लगा कि ये लोग सब एक टीम में हैं, और उसने भी अपना एफर्ट दिया और अपना बेस्ट दिया. द वेरी थॉट दैट देयर आर पीपल टू हेल्प अस ब्लेसेस अस विद अ वेरी ग्रेट डील ऑफ कंफर्ट, होप, कॉन्फिडेंस, विच मेक्स अस एंथुजियास्टिक इनफ टू पुट आर हार्ट एंड सोल इन एनी टास्क. हम अपना जी जान, कहते हैं ना, जैसे जी जान मतलब हार्ट एंड सोल, जी जान लगा देते हैं जब हमें लगता है कि हमारे आसपास लोग हैं हमें एफर्ट देने के लिए, हमारे साथ हेल्प करने के लिए, तो हमारी स्ट्रेंथ जो है दुगनी हो जाती है. हमें ऐसे लगता है कि हाँ, हमारे साथ कोई है जो हमें हेल्प करेगा, और वो काम हम कर जाते हैं, है ना. हमें पता है हम पढ़ रहे हैं, हमने विन करना ही करना है, हमारी टीचर्स हमारा साथ दे रही हैं, हमारे पेरेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं, हमें टाइमली उठा रहे हैं. या एथलेटिक में क्या होता है, हमारे घर वाले हमें टाइमली खाना दे रहे हैं, हमें उठा रहे हैं, हमारे काउंसिल कर रहे हैं, फादर हमें छोड़ के आ रहे हैं, वहाँ हमारे जो कोच सर हैं वो हमें लर्न कर रहे हैं, सिखा रहे हैं. तो वो क्या करते हैं, तो वो हमें दिखता है कि हमारे साथ एक टीम है, हमें एक एफर्ट्स दे रहे हैं, तो हम उस काम को और अच्छे से करते हैं, है ना. इनडीड द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस हैव ऑलवेज बीन बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ अ ग्रेटर लेवल ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द सिटीजन्स एंड द स्मार्टेस्ट एनिमल्स वी नो, एप्स, एलिफेंट्स, वुल्फ, डॉल्फिन्स एंड क्रोज टेंड टू लिव टुगेदर इन ग्रुप्स एंड वर्क टुगेदर फॉर सर्वाइवल. तो वो क्या होता है, वो कह रहे हैं सिविलाइजेशन जो है, एजुकेशन जो है, जो बिल्ट करी गई है, वो इन एग्जांपल्स के बेस पे ही बिल्ड करी गई. हमने देखा है जंगल में एनिमल्स तक एक साथ हो जाते हैं, आपने देखा है, एक साथ वो पीछे पड़ते हैं, दूसरे के पीछे पड़ना है तो पड़ना है. तो जो ये होता है एक ग्रेटर लेवल का जो कॉपरेशन होता है बेटा, ह्यूमन बींग्स को छोड़ो, एनिमल्स तक में होता है, एनिमल्स तक भी. ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये ग्रुप में एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ, ये यूनिटी है, ठीक है. एज एच ई ल्यू कॉक सेड, नो वन कैन विसल अ सिम्फनी, इट टेक्स एन ऑर्केस्ट्रा टू प्ले. समझ लो, सिम्फनी मतलब एक बेटा ऑर्केस्ट्रा का एक वो पतला सा होता है ना, लंबा सा, वो कह रहे सिर्फ इससे आप ऑर्केस्ट्रा नहीं बजा सकते हो, पूरा ऑर्केस्ट्रा चाहिए होता है. जब भी कोई भी म्यूजिक प्ले करना होता है तो खाली एक तबला वाला या खाली एक ड्रम बीट वाला म्यूजिक को नहीं बना सकता, प्ले नहीं कर सकता, म्यूजिक नहीं बन सकती जब तक गिटार, सितार, ड्रम, सिम्फनी सारी चीज़ें ना हो, प्रॉपर एक ऑर्केस्ट्रा ना हो, तब तक म्यूजिक प्रॉपर नहीं बन सकता, प्ले नहीं हो सकता, ठीक है. इट्स नॉट विदाउट रीजन दैट द वर्ड टीम इज सेट टू स्टैंड फॉर टुगेदर एवरी वन अचीव मोर. कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली है, टीम का फुल फॉर्म होता है टुगेदर एवरी वन, एक साथ सब अचीव हम ज़्यादा कर सकेंगे, एक साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकेंगे, टुगेदर एवरी वन अचीव मोर. लेसन्स लर्न्ड, वर्क एज अ टीम, गिव योर बेस्ट, टीम की तरह वर्क करो और अपना बेस्ट एफर्ट्स दो. इवन इफ़ यू आर वीक, द वेरी फैक्ट दैट अदर्स आर हियर टू हेल्प यू मेक्स अ बिग डिफरेंस. ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप सोचते हो अरे आप वीक हो, इतने लोगों के बीच आप वीक पड़ जाओगे, लेकिन आपको उसका पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए, उसको आपकी पॉजिटिव चीज़ देख, ठीक है. इफ़ यू आर वीक द वेरी फैक्ट इज, अगर दूसरे आपके साथ हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वीक हैं, हमें ये सोचना चाहिए हमारी टीम है, हम जुट जाएंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम कर पाएंगे.
ठीक है. अलोन यू मे नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश मच, अकेले आप इतना ज़्यादा नहीं अकम्प्लिश कर पाओगे जितना टीम के साथ आप अकम्प्लिश कर पाओगे. देयर इज स्ट्रेंथ एंड सक्सेस एंड इन टुगेदरनेस. स्ट्रेंथ और सक्सेस किस में है? एकजुट होने में, टुगेदर होने में, एक साथ होने में. टुगेदर वी कैन अचीव मोर. ठीक है, क्या क्या करना चाहिए? आई विल ट्राई टू वर्क इन अ टीम. ऐसा सब कुछ करने के लिए ये सोच तो रखनी चाहिए, हमें पता है, हमें इस चैप्टर से ये लेसन मिल रहा है, ये हमें पता है. लेकिन इसे अचीव करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं बताती हूँ. आई विल ट्राई टू वर्क इन अ टीम टू अकम्प्लिश अ टास्क. हम एक टीम की तरह काम करने की कोशिश करूँगा उस टास्क को अकम्प्लिश करने में. मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा और सक्सेस पाऊंगा. मैं दूसरों की हेल्प लूंगा, मैं दूसरों के पास जाऊंगा. मैं ऐसा नहीं सोचूंगा अरे मैं उससे हेल्प क्यों मांगू भाई, मैं कर लूंगा जो मुझे करना है. नहीं, अगर आपको लगता है ये काम हमारे बस का नहीं है और अगर हम किसी की उस टाइम पे हेल्प ले सकते हैं तो क्यों ना लें, ताकि वो टास्क और अच्छा हो सके और ब्यूटीफुल हो सके सर्टन फील्ड. आई विल रिमेंबर दैट व्हेन आई एम अलोन, जब भी मैं अकेला हूँ, आई मे नॉट अकम्प्लिश मच. मुझे ये याद रखना होगा कि मैं अकेला इतना कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाऊंगा जितना कि साथ में. आई विल रिमेंबर दैट देयर इज स्ट्रेंथ इन टुगेदरनेस. और मुझे ये याद रखना है कि टुगेदरनेस में ही स्ट्रेंथ है. थैंक यू क्लास.